मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विपक्षी भाजपा पर गुंडागर्दी की भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सदन के भीतर भाजपा ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया वह निंदनीय है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में कड़वी बात को भी शालीनता के साथ रखा जा सकता है, लेकिन विपक्ष के सदस्य गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सीएम ने आरोप लगाया कि भाजपा राजनीतिक लाभ लेने के लिए गुड़िया मामले में लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम कर रही है ताकि इसका सियासी लाभ उठाया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रकरण को लेकर विपक्ष ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है तथा उसको हजले में दिखाकर प्रोपेगंडा किया जा रहा है। ऐसा दुष्प्रचार कोई दुष्ट पार्टी ही कर सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार सदन में चर्चा करने को तैयार है और कुछ भी छिपाना नहीं चाहती, लेकिन गाली देना, शोर मचाना और विधानसभा अध्यक्ष को घेरना लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बावजूद मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा व सीपीआईएम ने शिमला में दुकानों को बंद करवाया तथा कानून व्यवस्था को खराब करने का प्रयास किया। इससे पहले ठियोग में गाड़ियों को जलाया गया और शीशे तोड़े गए। इसी तरह कोटखाई पुलिस थाने को जलाया गया, लेकिन सरकार ने इन सब मामलों में नरमी बरती। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को लेकर मामला दर्ज किया गया है तथा दोषियों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश से हुए लैंडस्लाइड से प्रदेश में करीब 276 लोगों की मौत हुई है। सदन में इस पर चर्चा जरूरी है ताकि उनके परिवार के प्रति सहानुभूति प्रकट की जा सके। वीरभद्र सिंह ने कहा कि सदन के भीतर जिस तरह से विपक्षी सदस्य व्यवहार कर रहे हैं उससे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल की उन पर पकड़ नहीं रही है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जब भी मिलते हैं तो उनमें सामान्य और मीठी मीठी बातें होती है, लेकिन सदन के भीतर उनका रवैया बदल जाता है। ऐसा लगता है कि नेता प्रतिपक्ष का अपने सदस्यों पर पूरा नियंत्रण नहीं है। उनका कहना था कि यदि नेतृत्व मजबूत होता तो सदन के भीतर इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।